अब बादल और कोहरे की घनी परतों से दुश्मन पर नजर रखना हुआ संभव। भारतीय सेना को मिली एक ऐसी नजर जो दुश्मन के मंसूबों को कर देगी नेस्तनाबूद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PSLV C-46 की, जिसका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया, जिसके बाद RI सैटेलाइट 2B को 555 किलोमीटर ऊंचाई वाले लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर दिया गया। यह PSLV की 48वीं उड़ान है और रीसेट सैटेलाइट का चौथा सैटेलाइट। यह सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन, आपदा प्रबंधन जैसे सहयोग के क्षेत्रों में मदद करेगा। रीसेट 2B सैटेलाइट का इस्तेमाल किसी भी तरह के मौसम में खुफिया गतिविधियों, रणनीतिक निगरानियों और आपदा प्रबंधन में आसानी से किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह 2B सैटेलाइट के साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिससे संचार की सेवाएं निरंतर बनी रहेंगी। बता दें कि यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं में मदद करेगा। इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की तस्वीरें ली जा सकेगी। इस सीरीज के सैटेलाइट को सीमाओं में निगरानी और घुसपैठ करने के लिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद विकसित किया गया। यह कोई भी मौसम हो, चाहे रात हो, बादल हो, बारिश हो, फोकस की सही तस्वीर को जारी करेगा। इससे आपदा में राहत और सुरक्षा बलों को काफी मदद मिलेगी।